लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की शेख रशीद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने विफाकी और पंजाब हुकूमतों को नोटिस जारी कर दिए। शेख रशीद बाजियाबी केस में 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आम खबर से आपको आगाह करें, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच की शेख रशीद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। इसी हवाले से बात करेंगे अनवार अब्बासी से। जी अनवार अब्बासी, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर आज समाअत हुई। अदालत ने शेख रशीद की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस ताकत अली खान ने शेख रशीद बाजियाबी केस में 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर लिया और इसके साथ ही शेख रशीद और 2 भतीजों की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तों में अब्दुल रजाक एडवोकेट पेश हुए। उन्होंने आज अदालत को बताया कि शेख रशीद के मुतलक अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। शेख राशिद शफीक का किसी सतह पर रब्ता हुआ है ना उनको बताया गया है, और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि आज उनके जो कर ली गई है। बहुत शुक्रिया अनवार अब्बासी आगाह करने के लिए।